यूक्रेन वर्तमान समय में भले ही बैकफुट पर है, लेकिन रूस के साथ युद्ध की शुरुआत में जब उसके पास अमेरिका जैसे सहयोगियों से मिलने वाली भरपूर सैन्य सहायता थी, तब वो युद्ध के मैदान में कई बार रूस पर भारी पड़ता भी दिखा। फिलहाल युद्ध के मैदान में यूक्रेन की हालत पस्त है। अमेरिकी फंड मिलने में अड़चन आने के बाद यूक्रेन को अन्य सहयोगियों से भी सिर्फ वादा और धोखा ही मिल रहा है। जर्मनी की तरफ से मिलने वाली मदद भी असमंजस में पड़ी हुई है। फरवरी 2024 में बुंडेस्टाग यानी जर्मन संसद ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार प्रदान करने का आग्रह किया गया था। प्रस्ताव के समर्थन के मुताबिक माना जा रहा था कि जर्मनी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉरस क्रूज मिसाइल देगा। अब सामने आ रहा है कि जर्मन सरकार टॉरस क्रूज मिसाइल को यूक्रेन भेजने या ना भेजने को लेकर विभाजित दिख रही है। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद में तो वहां के रिपब्लिकन सांसद रोड़ा बन रहे हैं, और इधर जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को हथियार दिए जाने की चर्चा के बीच जर्मनी में वहां के वास्तविक इंचार्ज को लेकर ही सवाल खड़ा हो गया है कि वास्तव में जर्मनी का मुखिया कौन है, सेना या सरकार, जो कह रहा है कि यूक्रेन को मिसाइल भेजने की उसकी कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने सुझाव दिया कि जर्मनी ब्रिटेन को टॉरस मिसाइलें दे सकता है और बदले में ब्रिटेन अपनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन भेज सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज एक जर्मन विचार है। उन्होंने इसे विकल्प बताते हुए कहा कि हम कुछ समय पहले ही अन्य उपकरणों के साथ भी ऐसा ही कर चुके हैं। इधर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स काफी पहले से ही यूक्रेन को हथियार दिए जाने के समर्थन में नहीं है। स्वीडिश सशस्त्र बल के पूर्व अधिकारी और स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ मिकेल वॉल्टर्सन ने कहा कि यूक्रेन को हथियार दिए जाने के मामले में जर्मन सरकार बहुत विभाजित है। वॉल्टर्सन ने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस की जो मिसाइलें यूक्रेन के पास हैं, वहां उनके स्वयं के सैन्यकर्मी हैं, और जर्मनी यूक्रेन में सैन्यकर्मियों को भेजना नहीं चाहता, और यही वजह है कि वो टॉरस को भी यूक्रेन नहीं भेजना चाहता। अपने मददगारों के इस तरह के घरेलू विवादों के चलते यूक्रेन को मिलने वाली मदद में भारी देरी हो रही है। अगर उसके मददगार वास्तव में उसका हित चाहते हैं और यूक्रेन के स्वतंत्र वजूद को बचाए रखना चाहते हैं, तो बिना देरी किए यूक्रेन को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और बाद में चाहकर भी यूक्रेन और उसके मददगार कुछ ना कर पाएं।